नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन व कुंभ राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ। सबसे पहले हम जानें कि धनु लगन व कुंभ राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है। इसके पहले भाव में 9 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है धनु लगन। चंद्रमा 11 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी कुंभ राशि। यानी आपका कम्बिनेशन धनु लगन व कुंभ राशि का बनता है, तो आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। धनु लगन और कुंभ राशि की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुंभ राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है। शनि महाराज चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, पहली बात। अब हम चार बड़े ग्रह देखते हैं वो क्या फल देने की स्थिति में है। धनु लगन से बात करें तो शनि महाराज तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां का वो शुभ फल देते हैं। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति पंचम में होंगे, जहां का वो शुभ फल देते हैं। लेकिन मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे तो थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन आगे चलकर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर से, तो 9 अक्टूबर से लेकर फरवरी 2025 तक वो वक्री रहेंगे, तो 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। कुंभ राशि से बात करें तो शनि महाराज लगन पर गोचर कर रहे हैं और धनु लगन में राहु चौथे भाव में है और केतु दशम में है। कुंभ राशि से बात करें तो शनि महाराज लगन पर गोचर कर रहे हैं, राहु कुटुंब भाव में, देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है वर्ष के आरंभ में, और मई के बाद वो चौथे भाव में चली जाएंगी और केतु अष्टम में है। ये चार बड़े ग्रहों की स्थिति है। मेरा यह मानना है कि धनु लगन व कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करें कि वर्ष 2024 का शुभ समय कौन सा निकल कर आता है, जब आपके लिए कैरियर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं, वो समय निकल कर आता है एक तो आपका जनवरी से 30 अप्रैल, और दूसरा निकल कर आता है 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो आप धनु लगन व कुंभ राशि के जातक हैं, वर्ष 2024 में कैरियर से जुड़ा आपको कोई भी डिसीजन लेना है, जॉब बदलनी है, व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत करनी है, विदेश यात्रा पर जाना है, अपने काम में कोई चेंज करना है, तो उसको आप जनवरी से अप्रैल या 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में कीजिए। इस समय में ये जो शुभ समय है इसमें आपको कैरियर से जुड़े नए ऑप्शन मिल सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, जॉब में प्रमोशन होने की संभावना बनती है, साथ ही साथ ट्रांसफर की भी संभावना बनती है, क्योंकि धनु लगन से चौथा और दशम भाव राहु केतु के अक्ष में है। और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और कुंभ राशि में शनि महाराज लगन पर हैं, जो कुटुंब से दूर जाने का संकेत दे रहे हैं। धनु लगन व कुंभ राशि के जातकों के लिए दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं वर्ष 2024 के लिए। एक तो स्थान परिवर्तन, किसी ना किसी कारण से स्थान परिवर्तन, या तो आपकी विदेश यात्रा हो, या आपका ट्रांसफर हो, या आप रहने की जगह बदलें, क्योंकि कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति मई 2024 में चौथे भाव में आ जाएंगे। गुरु का चौथा, आठवां व बारहवां गोचर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है, तो हो सकता है कि आप मई 2024 के बाद अपना कोई नया मकान ले लें, जिसके कारण आपके रहने की जगह बदल जाए, तो कुछ ना कुछ चेंज नजर आ रहा है, या तो आपके ऑफिस में, आपकी नौकरी में आपका ट्रांसफर हो सकता है, या आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, या जॉब के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं, या आप वर्तमान में अपने रहने की जगह बदल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा समय बना हुआ है। बाई चांस 2024 में आपकी दशाएं गुरु की, मंगल की या शुक्र की दशा दशा चल रही होगी, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये वर्ष आपके लिए धन के लिए शुभ जाना वाला है, धन के लिए आपको निराशा नहीं होगी, समय समय पर आपके पास ऑप्शन आते रहेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने का अर्थ है कि हम जो मेहनत करेंगे उसका हमें फल मिलेगा। साथ ही गुरु की दृष्टि लगन पर, गुरु की दृष्टि जब लगन पर होती है तो जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो बहुत सोच विचार के निर्णय लेता है और निर्णय सही जाते हैं, तो वही आपके लिए स्थिति है कि भाग्य का साथ भी है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और विद्यार्थियों को इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति पंचम में गोचर कर रहे हैं। ये तो बातें पॉजिटिव है जो आपके लिए जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में शुभ घटनाएं आपके लिए घट सकती हैं। अब वर्ष 2024 में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको सावधानी रखनी है। वो सावधानी रखने का समय होगा मई से लेकर सितंबर के बीच में। मई से लेकर सितंबर के बीच में सावधानी रखने के समय के लिए पहली बात तो मैं कहूंगी कि एक तो कोशिश करें कि मई से सितंबर के बीच में जॉब बिल्कुल ना बदलें। जॉब आप और आपको बदलनी है तो जनवरी से अप्रैल या 9 अक्टूबर के बाद, मई से सितंबर के बीच में जॉब बिल्कुल ना बदलें। व्यापार में किसी प्रकार की जोखिम लेने से बचें।
ये समय ऐसा है कि कुटुंब में कोई प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है, कुछ मानसिक परेशानी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस वर्ष 2024 में खर्चे इस वर्ष आपके ज्यादा होंगे, जिसके कारण आप सेविंग नहीं कर पाएंगे और रात की नींद में बाधा भी आएगी। अगर आपको मानसिक परेशानी है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रोते सो एक मार्केट से एक नया बर्तन ले आए स्टील का, और उस बर्तन को इसी काम के लिए रखें। उस बर्तन में कोई कुछ खाए ना, सोने से पहले उस बर्तन में पानी डालें, 2 बूंद दूध डालें, उस बर्तन का जो पानी है वो दूध के रंग का हो जाए, उस बर्तन को अपने सिरहाने रख लें। अगर आप पलंग पे सोते हैं तो पलंग का जहाँ आप तकिया लगाते हैं उसके जस्ट नीचे की जगह पर रख लें, और बाई चांस आप जमीन में सोते हैं तो अपने तकिए के पास रख लें। वो पानी आपके पास रहेगा तो वो जो राहु और चंद्र की जो नेगेटिविटी होती है वो सब आपकी चली जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपकी जब चली जाएगी तो आपके मन से जो टेंशन एंग्जाइटी अनिष्ट की आशंका वो सब निकल जाएगी। ये आप रोज कर सकते हैं, रात को सोने से पहले रखें और सुबह उठ के सबसे पहले इस पानी को किसी पेड़ में डालें। कोशिश करना तुलसी में बिल्कुल मत डालिएगा, और कोई कीकर का पेड़ हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप किसी गमले में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रात में नींद में बाधा का अनुभव हो कि लगेगी बार बार नींद नहीं आती, तो एक पेड़ आता है अमलतास का, उसकी एक लंबी सी फली लीजिए और अपने सिरहाने रख लीजिए, उससे भी नींद अच्छी आती है। साथ ही साथ आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि घर में हमें रसोई में मेथी मिलती है, हम थोड़ी सी मेथी लें, उसकी छोटी सी पोटली बना लें और उसको अपने तकिए के ऊपर रख लें, उससे भी रात की नींद गहरी आती है। इसके अलावा क्योंकि धनु लगन व कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तो मैं आपसे कहूंगी कि शनि महाराज का कोई ना कोई उपाय करें। अगर आपको कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है तो शनि महाराज का बहुत अच्छा उपाय है कि शनि महाराज को 8 बार चोला चढ़ाना है। अब वो चोला आप या तो मंगलवार को चढ़ा सकते हैं या शनिवार को चढ़ा सकते हैं, जो दिन आपको सुटेबल लगे। अगर आपको मंगल को सूट करता है तो मंगल को चढ़ाएं, और शनिवार को सूट करता है तो शनिवार को चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं 8 मंगलवार या 8 शनिवार। भाई कहता 5 मोतीचूर के लड्डू लेके जाएं जिसमें चांदी का वर्क लगा हो, पान का बीड़ा लेके जाएं और सिंदूर लेके जाएं, चमेली का तेल लेके जाएं, पुजारी से भाई कहता अपने सामने चोला चढ़वाएं, और जब वो चोला चढ़ जाए तो उसका कुछ सिंदूर एक कागज में लगा के अपने घर में लाएं और घर के सारे सदस्यों के माथे पे लगाएं, क्योंकि जो मानसिक परेशानी है उसको भी दूर करता है। अगर हनुमान जी का कोई घर में किसी को मानसिक परेशानी हो, कोई डिप्रेशन चल रहा है, उसके माथे पर अगर हनुमान जी का सिंदूर लगाया जाएगा तो मानसिक परेशानी भी दूर होती है। तो आप शनि महाराज का कोई ना कोई उपाय करिए और कोशिश करिए हर शनिवार को अपने घर में सुंदरकांड करें। अगर नहीं कर सकते तो शनिवार की शाम को सूर्यास्त होने के बाद सुंदरकांड चला लें, और कोशिश करें उस समय कुछ खाएं ना। बच्चे खा सकते हैं लेकिन आप नहीं खा सकते जब तक सुंदरकांड चल रहा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप धनु लगन व कुंभ राशि के जातक कुंभ राशि के लिए कुछ शनि का उपाय करते रहेंगे तो वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है, और धनु लगन व कुंभ राशि के लिए वर्ष 2024 50% तक बढ़िया है। और बाई चांस आपकी दशाएं बहुत शुभ हुई, जैसे गुरु की, मंगल की या सूर्य की दशा या दशा चल रही होगी, तो ये 50 से 55-60 भी जा सकता है। ये निर्भर करेगा आपकी कुंडली की दशाएं कैसी चल रही हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि धनु लगन व कुंभ राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।